शासन लड़ेंगे, जिएंगे शासन लड़ेंगे शासन, तनाजाही नहीं चलेगी, तनाजाही नहीं चलेगी, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्य बदल दो ताज बदल दो, नहीं मानूंगा राज बदल दो, सत्य बदल दो शासन लड़ेंगे शासन, तनाजाही तनाजाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं। देखो लोकराज का डेमोक्रेसी का फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर मीडिया, वेदर दैट इज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, हम अपनी बात आपके माध्यम से सरकार तक और लोगों तक जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ये जो प्रोटेस्ट है पिछले कुछ दिनों से चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार को जो लगातार हरासमेंट दी जा रही है, पहले सीबीआई और अब ईडी की तरफ से, जन जन जानता है कि ये इसके पीछे पॉलिटिकल इंट्रीग है, साजिश है। और ये प्रोटेस्ट चौधरी साहब के ऊपर जो जुर्म हो रहा है, जो नाजायज उन पे उनको हरास करके एक जो आइडेंटिटी है, जो लोगों के सही मानों में लीडर हैं, इस बात में कोई संकोच नहीं कि जो चौधरी लाल सिंह की वर्किंग स्टाइल है, जो एज ए पॉलिटिशियन, एज ए मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, जो वो कंट्रोल और कमांड की जो उनकी स्पिरिट है, जो लोगों के साथ वो ग्रास रूट लेवल पे मिले हैं, और जिस तरीके से वो अपने मिनिस्ट्री में परफॉर्मेंस दिखाते हैं, दैट इज एग्जाम्पलरी। और ये बात जेलिस भी होती है, अपोजिशन को बुरी भी लगती है, और ऐसा लोकराज में नहीं होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ प्रोटेस्ट के माध्यम से कि ये लोकराज का कत्ल है, लोकराज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क के हर एक जाति बरादरी और धर्म के लोगों ने लगातार 200 साल स्ट्रगल करी, उसके बाद ये अधिकार मिला, और डेमोक्रेसी में प्रोविजन है कि अपोजिशन रह सकती है, इसमें डाइवर्स ओपिनियन रखने का सबको अधिकार है, सरकारों में रहते हुए अपोजिशन अगर सरकारों की जो गलत नीतियां हैं उनका अपोज नहीं करेंगी तो ये मीनिंगलेस डेमोक्रेसी हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं ये जो रिवेंजफुल सरकार की नीति है कि जो भी अपोजिशन है उन पे ईडी करवा दो, उन पे सीबीआई करवा दो, हरासमेंट करो, ये एंटी नेशनल एक्ट है और डेमोक्रेसी का कत्ल है। सिर्फ अपोजिशन पार्टियों पे ही ईडी और सीबीआई क्यों? जो लोग सत्ता में हैं क्या वो एंटी नेशनल काम नहीं कर रहे? क्या वो घूसखोरी में शामिल नहीं? तो हम ये प्रोटेस्ट करके आपके माध्यम से एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि सिर्फ चौधरी लाल सिंह की बात नहीं है, उनको जो हरास किया जा रहा है ये सारी जनता को तकलीफ है। और हम ये स्पष्ट लफ्जों में कह देते हैं, हमारे जितने भी साथी हैं, सतपाल जी हैं, सरपंच के ना तो ना बिना चौधरी, हां जी, कहली प्रदर्शन कहली करेंगे, करते हैं कि चौधरी लाल सिंह की इन्हें अंदर की जी कोई कसूर नहीं, किश नहीं है, एडे एडे लीडर होंगे ने, इन्ना कुछ उनको मिलता है, इन्हे को तो है कुछ नहीं है, 24 घंटे साढ़े परिवार से रोंदे ने, पूरा परिवार उनके कन्ने नाल ही है, अगर नहीं छड़ना चाहते तो अभी अपनी जान देना तैयार है। चौधरी लाल सिंह डोगरे आवाज चुकते हैं, आवाज चुकते ने साढ़े नाल 24 घंटे, जल्द फोन करो उल्ला हाजिर ने, रात 12 बजे फोन करो तो अभी हाजिर ने 24 घंटे, तो ये गवर्नमेंट इयै रिक्वेस्ट करने जाने कि छड़ना चाहिए, जल्दी जल्दी छड़ते, अगर नहीं छड़ते पूरा जे एंड के साथ है। इस कारण पब्लिक कट्ठी होवे दी जेड़ा चौधरी लाल सिंह ने जाती करा दे ने, यह गौरमेंट गलत करा दी सिरों सिर, वो एक पब्लिक दी आवाज़ ही, पब्लिक ने मुश्किल दी घड़ी पर हर टाइम दिन रात 24 घंटे नाल चलते है, इस कारण ये जेड़े इलेक्शन 2024 च आवे दे ने, गौरमेंट की यह लाभ आया जे एंड के स्टेट दे विच
कि चौधरी लाल सिंह अगर बीजेपी की पांच सीटा पहला दवा सकता हा तो हूँ भी दवा सकता हा, लेकिन उन्हें ये सियासत खेली है कि चौधरी लाल सिंह अहें 2024 का इलेक्शन है जोड़ा वो नहीं लड़न देना, ताकि अगर CBI ने क्लीयरेंस चेट दी ही भाई ये गलत नहीं है दोबारा ED बिठा दी। अगर ये मगर पब्लिक पूरी स्टेट है जोड़ा जम्मू का डोगरा है वो घर घर जाग उठा कि चौधरी लाल सिंह अगर तुम नहीं रिहा करेगे नहीं छोड़ेगे तो दिन रात पब्लिक उसके पिछे होगी, मरने मराने पर तुल जाएगी दुनिया, क्योंकि वो बाद शख्स इदा का जोड़ा चाह तिकर नहीं पीता, कोई ऐप नहीं, और हर बच्चे बेच चंगी शिक्षा दिता भाई ऐप नहीं करो, और सक्का भरा भी अगर गलत करेगा उन्होंने भी डांटेगा। और चौधरी लाल सिंह ने जो भी किया गौरमेंट ने वो गलत किया, साड़ी ये रिक्वेस्ट है उन्हें जल्दी रिहा किया जाके पब्लिक ज्यादा हरासमेंट ना आवे, अगर पब्लिक की ज्यादा मजबूर करेगे हो तो रोड भी जाम होने दफ्तर भी जाम होने। उनका कोई मुकाबला नहीं, उनका प्रिंसीपल बड़े अच्छे प्रिंसीपल है, वो कुछ को इस पर अभी उनके कन्ने रह रहे हैं, मतलब इन्ने अच्छे आदमी जोड़ा भी कोई जाओ काम करते अभी ट्रस्टी नहीं आए का कभी भी ये पता नहीं की है, अभी एजेंसियां भी नहीं आखते, अभी ED ही भी नहीं आखते, तो अभी उनके पर भी गर्व है वह सारिया बड़ी एजेंसियां, लेकिन ये जरा बनया ये बनया दुनिया के इतने अच्छे आप सारे जिन्ने भी काम ने उन्होंने किए एज ए लीडर एज ए नेता एज ए मैन जितने भी कुछ दिता उन्होंने सू बड़ा अफसोस है, लेकिन अभी सरकार अगर प्रोटेस्ट कर रहे विकास कर रहे हैं वो जरा भी कोर्ट का कोई प्रोसीजर है चलता रहा, लेकिन उन्हें रिहा किया जा।